जुबा केसरी। जुबा केसरी, जुबा केसरी, जुबा केसरी। भाषाएं रंग रूप है जुदा जुदा, पर हमारी जुबा है एक, जुबा केसरी। विमल बोलो जुबा केसरी। बहुत सही मन कर दिया और अच्छा लगता है, अच्छा और टाइम पास भी होता है। तो तुम्हारे पापा डांटते नहीं तुम गुटखा खाते हो? क्यों, जल में रखा रहता है। और मजे की बात यह है कि ये लोग जो गुटखा तंबाकू का सेवन करते हैं ना, वो इसके प्रति बड़े वफादार होते हैं। सच में वो मर जाएंगे, मिट जाएंगे, तब भी गुटखा खाएंगे। फिर नहीं चल जाएगी, 10 साल कम उम्र हो जाएगी तब वो खाएगा। हाँ, पता भी है कि इससे कैंसर होता है, जिसका इलाज बहुत महंगा भी है और रिस्क भी ज्यादा है। लेकिन कोई बात नहीं, 1-2 बीघा खेत बेच कर इलाज करवा लेंगे। लेकिन गुटखा जरूर खाएंगे। जैसे कि हमारा 10 मंडा 20 मंडा खेत है, 1-8 मंडा बेचा जाएगा, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अकेले हैं। लेकिन गुटखा खाना नहीं छोड़ेंगे? गुटखा नहीं खाना छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, और क्या क्या नशा करते हैं? सिगरेट भी पीते हैं, अभी आए पीने ही आए हैं सिगरेट। अच्छा, और तो और ये लोग इसके फायदे भी खूब गिनाते हैं। गुटखा खाने से तुम लोग का तबियत तो खराब होगा? तबियत खराब होता है, लेकिन काम करने में एनर्जी आता है, सब मजा आता है। गुटखा मुंह में काम करो, गुटखा खा के काम तेजी में होता है। अरे सब तेज होता है, ऐसा लगता है गधा भाग रहा है। दोस्तों, एक रिसर्च के अनुसार 5 ग्राम गुटखा से 11 मिनट की जिंदगी कम हो जाती है। और तो और, गुटखा में 4000 से ज्यादा घातक केमिकल मिले हुए होते हैं, जो कैंसर और हार्ट का रोगी बनाते हैं। सबको पता होता है कि गुटखा से मुंह का कैंसर बनता है, इसके बावजूद लोग तंबाकू का सेवन करते हैं। शौक के कारण तो कुछ लोग अनजाने में तंबाकू का सेवन शुरू करते हैं, बाद में यही शौक लत में परिवर्तित हो जाती है। कैंसर का मेन कारण तंबाकू ही है, और मसाला च्यूविंग की यहाँ पर हैबिट बहुत ज़्यादा है, टोबैको च्यूविंग की, जिससे रिलेटेड बीमारियाँ सबसे ज़्यादा हैं यहाँ पर, जिनमें मसूड़ों की बीमारियाँ बहुत कॉमन हो गई हैं। ये जो तंबाकू की लत लोगों ने पाल रखी है, ये बहुत दिन से पाल रखी है, इसने बहुत पहले से बहुत सी बीमारियों को दावत दे रखी है। अब कोरोना में क्या है कि जब आप तंबाकू खाते हैं, उसको थूकते हैं, तो उसके साथ जो आपके वायरस, अगर मान लीजिए कोई पॉजिटिव है तो उसके शरीर में है, तो वो एनवायरनमेंट में जाएगा, फिर वो दूसरों के लिए भी खतरा बनेगा। पहले वो तंबाकू खा के सिर्फ अपना नुकसान करते थे, अब उसको थूकने की आदत से वो दूसरों के लिए भी नुकसान करेंगे। तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि पहले तो आप तंबाकू खाना छोड़ ही दीजिए, क्योंकि अभी आप कहते हैं सिर्फ अपने लिए नहीं, अब दूसरों के लिए भी आप नुकसान कर रहे हैं। तो आप दूसरों को भी बचाइए, खुद को भी बचाइए, और तंबाकू खाने की आदत को छोड़िए, और जगह जगह थूकने की आदत को भी छोड़िए। WHO की रिपोर्ट के अनुसार एक सिगरेट जिंदगी के 11 मिनट और पूरा पैकेट 3 घंटे 40 मिनट छीन लेता है। इन सब के बावजूद लोगों की दलील तो देखिए। ये कौन सा सिगरेट पी रहे हैं? कैप्टन है। अच्छा, इसका फायदा बता दीजिए मुझे। फायदा बहुत हमारे पास है, बताइए। एंजॉय है तो फायदा है। क्या एंजॉय मिलता है? बहुत एंजॉय मिलता है। अगर आपकी नजरों में चबाना और थूकना ही एक एंजॉय है, आप बिल्कुल गलत हैं। आप सिर्फ पैसे से बीमारी खरीद रहे हो। चलो मान लेते हैं कि सरकार तंबाकू बैन ही कर दे, तो इसकी तस्करी भी शुरू हो जाएगी। एक बानगी तो आपने लॉकडाउन में देखा ही होगा, जब गुटखा खानी बंद कर दिया सरकार ने, तो लोग चोरी चोरी चुपके चुपके खरीद कर खाने लगे, और भी 4 गुना रेट में। एक एक पान मसाला का पाउच 40-50 रुपए में लोगों ने खरीदा और खाया। और ऐसे लोग आज सीना चौड़ा करके कहते हैं कि हमने तो लॉकडाउन में भी इंजॉय किया। बीड़ी, सिगरेट, जर्दा, खैनी, हुक्का, गुटखा, तंबाकू वाला पान, गुल, सुंगनी, ये सभी तंबाकू से बने होते हैं। अगर आप इनमें से किसी का भी सेवन कर रहे हैं, तो इसका सीधा मतलब है कि आप बहुत से खतरनाक रोगों को दावत दे रहे हैं। सबसे पहली बात तो वे इसी चीज़ से डर जाते हैं कि डॉक्टर के पास चलो ना, वो कहेंगे कि अभी तंबाकू छोड़ो, तब तुम्हारा इलाज करेंगे। तो इन चीज़ों को हम लोग थोड़ा टैकल कर रहे हैं कि हम आएँ, उनको समझाएँ कि भाई आपको तंबाकू कितना हानिकारक है। सबसे ज़्यादा तो उन्हें काउंसलिंग की ज़रूरत है। उन्हें ये महसूस होने लगता है कि हम इसके बिना नहीं रह सकते हैं, मगर ऐसा नहीं है, बिल्कुल वो रह सकते हैं। बस थोड़ी सी दृढ़ इच्छा शक्ति की ज़रूरत है, वो दिखाएं, और प्लस अगर आप तुरंत नहीं छोड़ पा रहे हैं तो धीमे धीमे छोड़ें, लेकिन छोड़ें, इस आदत को छोड़ें, क्योंकि अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो धीरे धीरे आप क्या कहते हैं अपने आप शरीर को नुकसान पहुँचाते ही जाएंगे, और समाज को भी नुकसान पहुँचाते जाएंगे। देखो, आप लोग तंबाकू का सेवन छोड़ो, अगर लत लग गई है तो इलाज करवाओ, सब ठीक हो जाएगा। सरकार भी नशा मुक्ति के लिए कई सारे उपाय कर रही है। सरकार द्वारा बहुत से कदम उठाए जाते हैं। अब पहले उत्तर
सीएससी पीएससी लेवल पे डेंटल सर्जन नहीं होते थे, अब उनकी पोस्टिंग होने लगी है। उसी में एक प्रोग्राम के तहत, नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम के तर्म के तहत मैं यहाँ पर पोस्टेड हूँ। अब मेरे पीछे पोस्टर्स देख सकते हैं उन प्रोग्राम से रिलेटेड। तो यहाँ पर हम डेंटल से रिलेटेड ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं कि डेंटल प्रॉब्लम्स इतनी छोटी नहीं है। दोस्तों, ये दुनिया है, यहाँ जहर भी बिकता है और अमृत भी। ये आपको सुनिश्चित करना है कि आप क्या खरीदना चाहते हो। तंबाकू गुटखा खैनी को छोड़ना चाहते हैं तो नशा छोड़ने का मन से सुनिश्चित करें, मन को पक्का करें कि आप इस गंदी लत को हर हालत में छोड़ देंगे। तो हमारे डिपार्टमेंट में काउंसलर होते हैं, वो उनकी काउंसलिंग करते हैं समय समय पे, प्लस हम उनकी आदत को छुड़वाते हैं। छुड़वाने के लिए हम उनको सबसे पहले दांतों की सफाई भी करवाते हैं। दांतों की सफाई से होता क्या है, एक मसाला खाने वाला इंसान जब उसके दांत गंदे रहते हैं तो फिर वो उसको ध्यान नहीं देता है, फिर वो मसाला खाता रहता है, दांत गंदे रहते हैं। तो हम उनको मोटिवेट करते हैं कि आप दांतों को सफाई कर रही है। जब एक बार दांत साफ़ हो गए, उनको खुद से साफ लगने लगे, तो फिर वो मसाला खाने की आदत को छोड़ने की कोशिश करते हैं कि भाई मेरे दांत अभी इतने साफ हो गए हैं, अगर हम दोबारा से खाएंगे फिर से गंदे हो जाएंगे। तो ये एक उनके लिए मोटिवेशनल फैक्टर होता है। हेल्दी डाइट लें, भरपूर पानी पिएं और इसके साथ शारीरिक व्यायाम जरूर करें। योग और प्राणायाम के माध्यम से मन को मजबूत किया जा सकता है और इन सारे परेशानियों से हम एक दिन आज़ाद हो सकते हैं और एक बेहतरीन ज़िंदगी जी सकते हैं। दृष्टि प्रोडक्शन, अ डिजिटल स्टोरी टेलर ऑफ योर इमेजिनेशन।